सबसे पहले आपको मैं बताने वाली हूँ कि डिक्लेरेशन क्या होता है। डिक्लेरेशन इज़ अ पावरफुल स्टेटमेंट। जब हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं या अपनी लाइफ पॉजिटिव चीज़ों को पाना चाहते हैं या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज़, मेरे पास मेरी दो प्यारी प्यारी भतीजी बैठी हैं तो वो मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, फोकस करते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे 5 ऐसे स्टेप्स हैं जो डिक्लेरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। पहला स्टेप है स्टार्ट विथ आई, यूज प्रेजेंट टेंस, बी स्पेसिफिक, फोकस ऑन पॉजिटिव एंड इंक्लूड इमोशंस। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं डिक्लेरेशन में समझाने वाली हूँ, स्टार्ट विथ आई। आपको हमेशा आई से शुरुआत करनी है। इट मीन्स आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम केपेबल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इंडिपेंडेंट, इस तरीके की कुछ अफर्मेशंस आपको जहाँ पे आई वर्ड पहले आ रहा है। सेकेंड है यूज़ प्रेजेंट टेंस। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपनी लाइफ में अपनी कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ेगा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स दैट आई हैव ऑलरेडी दिस एंड दैट कार। थर्ड, बी स्पेसिफिक। आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको डिक्लेरेशन में क्या चीज़ लिखनी है। फोर्थ, फोकस ऑन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिविटी की तरफ ही फोकस देना होगा, ये नहीं कि आप डिक्लेरेशन लिख रहे हो, अपने पेन की इंक ख़त्म कर रहे हो, कॉपी के पेजेस वेस्ट कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप पॉजिटिव नहीं होगे। फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ लिखने से, कॉपी भरने से बात नहीं बनती है, आपको अपने इमोशंस भी उसमें ऐड करने पड़ेंगे। जैसे अगर आप कोई अच्छी चीज़ अपनी लाइफ में चाह रहे हो तो आपको ये ऑलरेडी फील करना पड़ेगा कि मेरे पास ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। याद रखो, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। बात करते हैं मेन उस एग्जांपल की जिसके लिए मैंने वीडियो आप लोग के शूट किया है। प्लीज़ गाइस, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फैमिली के साथ और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एग्जांपल में एक जो स्क्रिप्ट मैंने प्रिपेयर करी है, ये स्क्रिप्ट आपको इजीली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो आप वहाँ से कॉपी करके भी इस स्क्रिप्ट को अपनी डायरी या कॉपी में लिख सकते हो। यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो, डियर यूनिवर्स, I declare that I am worthy of abundance. I now receive, embrace, finance, freedom. I feel gratitude, secure and joyful. I trust that universe support me. इतनी छोटी सी declaration आपको करनी है। आप इसे हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे अगर आपको रिश्ता चाहिए है, अच्छी जॉब चाहिए है, इंटरव्यू क्लियर करना है, उस हिसाब से आप declaration में lines add कर सकते हो। अब सबसे important part की बारी आती है। लोग मुझसे पूछते हैं डिक्लेरेशन, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात की बारी आती है, लोग मुझसे पूछते हैं दी डिक्लेरेशन डेली लिखना है? जी नहीं। अगर आपको लग रहा है आप इसे तब लिख सकते हो, स्पेशली जब आप काफ़ी डाउन फील कर रहे हो, आपका इमोशंस काफ़ी ट्रिगर्ड आपको कर रहा है, आप इस डिक्लेरेशन को दोबारा लिख सकते हो। लेकिन एक चीज़ इस डिक्लेरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है रीड इट रेगुलरली। आपको ये डिक्लेरेशन डेली रीड करना है ताकि आपके अंदर एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी आए, ताकि आप अपनी विश से और ज़्यादा नज़दीक हो पाओ। तो ये टॉपिक आपको जो स्पेसिफिक ये पैराग्राफ है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आपको ईजिली आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, वहां से अपनी डायरी में लिख दीजिए। और आप अपना डिक्लेरेशन मुझे इंस्टा में डीएम भी कर सकते हैं, मैं उसे जरूर मेंशन करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो। मेक श्योर डिक्लेरेशन जरूर बनाएं। अगस्त मंथ काफी अबंडेंस भरा होने वाला है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।